नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 31 जुलाई के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। पंचायत व प्रखंड अस्पताल में भी मिल रही है वैक्सीन। जिले का मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित हुआ मुन्ना राजभर। सुरेश की मौत पर भाकपा माले का डुमराव में प्रदर्शन। कुएं में गिरी नागिन को हरिओम ने बचाया। इटाढ़ी पुलिस ने नष्ट की दलित बस्ती में बन रही शराब। अवैध बालू खनन के खिलाफ चला अभियान। सीबीएसई की परीक्षा में कैम्ब्रिज के छात्रों ने लहराया परचम। खबरें और भी हैं, हमारे इस समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक, कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया, बक्सर का अपना सर्फ, जीतू वाशिंग पाउडर। डीलर एवं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर करें संपर्क। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से, और आपको हम बता दें कोविड की वैक्सीन अब जिला ही नहीं प्रखंड अस्पतालों में भी उपलब्ध है। उसे पंचायत स्तर पर भी लगाने की तैयारी चल रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लोगों में जागरूकता नहीं थी। पंचायत तक जाने वाली टीमें महज कुछ टीके लगाकर वापस आ जा रही थी। इस वजह से पंचायतों में वैक्सीनेशन का काम रोक दिया गया था। नतीजा जिला एवं अनुमंडल मुख्यालय स्तर पर के टीका केंद्रों पर भीड़ ज़्यादा लग रही थी। आप देख रहे हैं बारिश के मौसम में किस तरह लोग यहाँ जमा हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसको लेकर के डुमराव में पदाधिकारियों से बात हुई। उन्होंने कहा पंचायत स्तर एवं प्रखंड स्तर पर भी टीके उपलब्ध हैं, इसके लिए अनुमंडल एवं जिला स्तर पर दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। व्यवस्था की भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो रही है। नब है कि भीड़ को कम करने का जिला से भी मतलब हर मतलब ब्लॉक में वैक्सीन दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ जो है कुछ दूसरे ब्लॉक का भी वैक्सीन लेने के लिए पहुँच जा रहे हैं, इसलिए भीड़ हो जा रही है। व्यवस्था तो ठीक ठाक है, लेकिन अब लोगों से अपील है कि वो अपने अपने ब्लॉक में वैक्सीन लें, और वैक्सीन पर्याप्त हर जगह जा रहा है, इसलिए एक जगह से अफरा तफरी करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी वैक्सीन है सब सेम वैक्सीन है। भी गलतफहमी लोगों की, यहाँ अच्छा वैक्सीन आ रहा है, दूसरे जगह गलत खराब वैक्सीन जा रहा है, ये नहीं। ये सभी जगह जो भी जा रहा है पूरे देश में या पूरे बिहार में पूरे पंचायत में सारा वही वैक्सीन है, सेम वैक्सीन है, कोई भी दूसरा वैक्सीन नहीं। पंचायतों में वैक्सीनेशन का कार्य, पंचायत में भी वैक्सीनेशन हमारे यहाँ से शुरू हो गया, जो पुराना भोजपुर में आज हो रहा है, और दूसरी जगह भी हर ब्लॉक में जा रहा है। पहले था कि केवल टाउन को कवर करना था, बक्सर और डुमराव, लेकिन अब जो है पंचायतों में भी वैक्सीनेशन का व्यवस्था हो चुका है। इसलिए लोगों से अपील है कि लोग अपने अपने ब्लॉक में जाएं, वहां भी वैक्सीनेशन का अच्छा सुविधा है। एक खबर अपराध से जुड़ी हुई है। जिले की पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची तैयार की है, जिसमें मुन्ना राजभर का नाम पहले नंबर पर आ गया है। उसके खिलाफ 50,000 रुपये इनाम की घोषणा करने के लिए राज्य मुख्यालय को पत्र भेजा जा रहा है। एसपी नीरज कुमार सिंह ने बातचीत के क्रम में बताया मुन्ना के खिलाफ प्रस्ताव तैयार है, उसे जल्द ही मुख्यालय को भेजा जाएगा। वहाँ से मंजूरी मिलते ही अब यह राज्य के अपराधियों की सूची में शामिल हो जाएगा। मुन्ना राजभर राजपुर थाना क्षेत्र के ईटवा गांव के रहने वाले पूर्व कुख्यात अपराधी सुरेश राजभर का भाई है। राजपुर थाना के लक्ष्मण डेरा गांव में ही सुरेश राजभर का एनकाउंटर हुआ था। उसके कुछ वर्षों बाद इसने बदले की भावना से एक ही रात उस गाँव में 3 लोगों की हत्या कर दी थी, जिन लोगों पर उसे शक था। अब पुलिस मुन्ना राजभर की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर चुकी है। बीते दिन शुक्रवार की एक खबर है, डुमराव में भाकपा माले के सदस्यों ने
प्रदर्शन किया। वे सुरेश मुसहर, जिसकी गिरफ्तारी चौगाई से हुई थी, उसकी मौत विक्रमगंज के अनुमंडलीय जेल में बीते दिनों हो गई थी। उसी के विरोध में भाकपा माले के सदस्यों ने शुक्रवार को डुमराव में प्रदर्शन किया। वे लोग इस मामले की न्यायिक जांच करने की मांग कर रहे हैं और परिजनों को मुआवजा उपलब्ध कराने की बात मांग पत्र पर लिखकर अनुमंडल पदाधिकारी डुमराव को इनके द्वारा सौंपा गया। अब आपको आज शनिवार दोपहर की एक खबर दिखाई दे रहे हैं। कुएं में आप इस दृश्य को ध्यान से देखेंगे तो एक नाग दिखाई देगा। इसे बचाने के लिए स्नेक रेस्क्यूअर हरिओम चौबे डुमराव प्रखंड मुख्यालय से सटे खिरौली गांव पहुंचे थे। उन्होंने बताया यह नागिन थी जिसकी लंबाई लगभग 6 फीट थी। वन विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों ने सूचना दी थी। उन लोगों ने आज शनिवार को मुझे जानकारी दी। मैं जब उसे बचाने वहां पहुंचा तो बारिश होने लगी। 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद उसे बाहर निकाला गया। नागिन पूरी तरह थक चुकी थी, इसलिए कुएं में डाले गए बांस पर वह चढ़ नहीं रही थी। ग्रामीणों द्वारा उपलब्ध कराई गई खांची एवं रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला गया। फिर मैंने उसे ले जाकर NH84 के किनारे छोड़ दिया। अभी जो तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, यह देसी शराब निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे डब्बे हैं। इटाढ़ी की पुलिस ने शुक्रवार को इटाढ़ी बाजार की दलित बस्ती में अभियान चलाकर वहाँ मिट्टी के अंदर गाड़कर सड़ाई जा रही, या यूं कहें कि निर्मित की जा रही देसी शराब के बड़े स्टॉक को नष्ट किया। अपराध से जुड़ी एक और खबर जान लीजिए। आप इन मियां बीवी को देख रहे हैं, यह दोनों लोग डुमराव के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ पुराना भोजपुर के सुनील कुमार ने वर्ष 2020 के दौरान प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जमीन एवं घर बेचने के नाम पर 11 लाख रुपए लेकर दोनों फरार थे। डुमराव की पुलिस ने एक वर्ष बाद इन दोनों को उत्तर प्रदेश के मऊ से शुक्रवार को गिरफ्तार किया। अब आपको अवैध बालू खनन की एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। पिछले दिनों DM ने बैठक कर अधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया था। कल शुक्रवार को खनन विभाग के अधिकारियों ने सिमरी प्रखंड के रामदास राय OP के बेनीलाल के डेरा गांव में छापेमारी की। यहां गंगा से अब सफ़ेद बालू निकालकर स्टॉक किया गया था। इस मामले में जामवंत यादव के खिलाफ, जो बेनीलाल डेरा गांव के रहने वाले हैं, प्राथमिकी दर्ज कराई गई। यहां 15,000 CFT से अधिक अर्थात लाखों रुपये मूल्य का बालू जमा किया गया था। अब चलने से पहले आपको बता दें, बीते दिन शुक्रवार को CBSE के परीक्षा परिणाम जारी हुए। इसमें कैम्ब्रिज स्कूल के छात्रों ने अपना परचम लहराया है। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार विज्ञान संकाय में सौर्य कुमार ने 97.2% अंक प्राप्त किया है। अंकित तिवारी ने विज्ञान संकाय में ही 96.6 अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर हैं। संचित कुमार 95.6 नंबर पाकर तीसरे स्थान पर हैं। वहीं वाणिज्य संकाय में अंशिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावे जिले में दूसरे स्थान पर फाउंडेशन स्कूल के छात्र हैं, हालांकि उनकी सूची हमें विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राप्त नहीं हो सकी है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर, सच के साथ सबकी बात। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।